तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आसिम दिस साइड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं प्रॉपरली, वो आपका इंशाल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करने आए हैं और आपका भाई इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल लेना चाहते हो और ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो इस बिजनेस के थ्रू, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको पूरा बिजनेस अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आसिम है एंड मेरी एज 19 इयर्स ओल्ड है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अब तक की 19 इयर्स ओल्ड की एज में 19 साल की एज में क्या क्या अचीव कर लिया है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैंने अब तक इस बिजनेस से 3 से 4 एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस किए। मेरा खुद का पहला आईफोन 14 परचेस किया और 85,000 से ज्यादा का लैपटॉप, 30,000 से ज्यादा का टैबलेट, और मैंने अब तक के इस बिजनेस से 8 लाख से ज्यादा की इनकम को ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। और मैं अकेला नहीं कमाता, मेरी पूरी टीम कमा रही है। आप स्क्रीन पर जिनके रिजल्ट चेक कर सकते हो, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स है। आप देख सकते हो किसी ने 1 लाख से ज्यादा की अचीवमेंट करी है, किसी ने 2.5 लाख से ज्यादा कमाए, किसी ने 4 लाख से ज्यादा कमाए। इस तरह के मेरे पास 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। मेरे स्टूडेंट में जॉब होल्डर्स भी है, मेरी टीम में स्टूडेंट्स भी हैं, 13-14 साल के बच्चे भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं और जॉब एम्प्लॉयर्स भी हैं, और रिटायर्ड पर्सन भी वर्क कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले भी पार्ट टाइम में इस वर्क को अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग काम क्या करना होता है। जो काम हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपने कई जगह देखा होगा, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू छोटे छोटे 13-14 साल के स्कूल के स्टूडेंट्स भी लाखों रुपए महीने का जनरेट कर पा रहे हैं इंस्टाग्राम का यूज करके, सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए से। 2 से 3 घंटा अपने स्मार्टफोन के जरिए से वर्क करते हैं और महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। तो ये पावर है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या करना होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी कस्टमर को प्रमोट कर दिया, उसको रिकमेंड कर दिया, तो कंपनी ने आपको उस प्रोडक्ट पर कमीशन दिया, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। सेम आपको एफिलिएट मार्केटिंग इसमें भी करना होता है। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और कौन सी कंपनी आपको डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी सेल आउट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी कौन सी है और कंपनी में क्या प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, कौन से डिजिटल प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करके इनकम होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है मिलेनियम ट्रैक। मिलेनियम ट्रैक इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड स्किल बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मिलेनियम ट्रैक में क्या करना होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मिलेनियम ट्रैक आपको कुछ डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसको आपको सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करना होता है। तो कंपनी ने इन डिजिटल कोर्सेज को कुछ पैकेजेस में डिवाइड कर रखा है, और वो पैकेजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिलेनियम ट्रैक के 4 डिजिटल कोर्सेज के पैकेजेस है। फर्स्ट पैकेज है डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, जिसका प्राइस 2,359 रुपीज है, मतलब 2,359 रुपए। सेकंड पैकेज है ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज, जिसका प्राइस है 4,130 रुपए। थर्ड पैकेज है फाइनेंस मास्टरी, जिसका प्राइस है 8,260 रुपए। एंड फोर्थ पैकेज, जो कि सबसे बेस्ट पैकेज है, वो है डाटा साइंस, 11,800 रुपए का। आपको इन डिजिटल कोर्सेज को, इन डिजिटल पैकेजेस को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करना होता है। अब उसको प्रमोट करने के लिए आपको सिंपली 4 पैकेजेस में से एक पैकेज परचेस करना होता है उसका एक्सेस लेने के लिए, और उसी के अंदर आपको प्रॉपर डिजिटल स्किल्स भी सिखाई जाती है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है मेरी, प्रॉपर आपको मेरा गाइडेंस मिलता है, और आपको 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी मिलता है, जिसमें आपको प्रॉपर कई सारे डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती है, जिसके हिसाब से आप महीने का प्रमोट करके ही आराम से 30 से 40 हजार इजिली जनरेट कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप कई सारे इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हो, यूट्यूब ब्लॉगिंग कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। अब देखो मिलेनियम ट्रैक आपको कई सारे डिजिटल कोर्सेज ऑफर करता है, डाटा साइंस हो गया, फाइनेंस मास्टरी हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी हो गया। तो अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इसको बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, पैसे भी लगेंगे या पैसे नहीं लगेंगे, या फिर कितने पैसे लगेंगे और कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्ट करने के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए जो 4 पैकेजेस कंपनी आपको ऑफर करती है, डाटा साइंस, फाइनेंस मास्टरी पैकेज और ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज, इन 4 पैकेजेस में से एक पैकेज आपको परचेस करना होता है, खरीदना होता है पैसे लगा करके, उसी में आपका 1 टाइम पेमेंट लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसी में आपको 3 से 4 दिन का डिजिटल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपको प्रॉपर वर्क सिखाया जाता है, उसी के साथ आपको 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग कोर्स में प्रॉपर प्रमोट सिस्टम भी सिखाया जाता है, और भी बहुत सारी डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसके हेल्प से आप मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको मिलेनियम ट्रैक के कोर्सेज का कमीशन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कौन से पैकेज को आपको प्रमोट करने पर कितनी इनकम होने वाली है, कौन सा पैकेज परचेस करना बेस्ट रहेगा, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपकी इनकम होगी, कितने आपकी इनकम होने वाली है कौन सा पैकेज परचेस करने पर। तो यहाँ पर आप कमीशन चार्ट चेक कर सकते हो मिलेनियम ट्रैक का।
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज की। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज से बिजनेस को स्टार्ट करते हो 2,359 रुपए लगा करके, तो उसमें आपको एक्सेस मिलता है 2,360 वाले पैकेज, मतलब सेम पैकेज का ही एक्सेस मिलता है, उसको ही आप प्रमोट कर सकते हो। उसके ऊपर का ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज, फाइनेंस मास्टरी, डाटा साइंस, कोई पैकेज आप प्रमोट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ही आप प्रमोट कर सकते हो। उसको प्रमोट करने पर आपको 1700 रुपीज का एक्टिव कमीशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पैकेज की, जिसका प्राइस होता है 4,130 रुपए, जो कि है ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग से स्टार्ट करते हो बिजनेस को 4,130 रुपए लगा करके, तो आपको एक्सेस दिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी पैकेज का प्लस ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी पैकेज की। दोनों पैकेज को आप प्रमोट कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करते हो तो आपको 1700 रुपए कमीशन मिलता है। अगर आप सेम पैकेज प्रमोट करते हो, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी आपने परचेस किया हुआ है और उसी को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको 3000 रुपीज की कमीशन मिलती है, वो भी एक्टिव कमीशन। अब बात कर लेते हैं थर्ड पैकेज की, जो कि है फाइनेंस मास्टरी पैकेज। फाइनेंस मास्टरी पैकेज का प्राइस होता है 8,260 रुपए। अगर आप 8,260 रुपए लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आप पर प्रमोट, अगर आप फाइनेंस मास्टरी प्रमोट करते हो तो 6,200 रुपए का एक्टिव कमीशन आपको मिलने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी प्रमोट करते हो तो 3,000, और डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करते हो तो 1,700 रुपए कमीशन मिलेगा। तो मतलब ऑल टोटल आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस दे दिया जाता है डाटा साइंस छोड़ करके। आप फाइनेंस मास्टरी से लेकर के ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी प्लस फाइनेंस मास्टरी आपको 8,260 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप डाटा साइंस से स्टार्ट करते हो, जो कि सबसे बेस्ट पैकेज होता है, उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप डाटा साइंस परचेस करके बिजनेस को स्टार्ट करो, डाटा साइंस खरीद रहे हो 11,800 रुपए लगा करके, तो उसमें आप मंथ का आराम से 1,00,000 से ज्यादा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कमीशन स्ट्रक्चर रहता है वो 98% से ज्यादा रहता है। क्योंकि डाटा साइंस अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आपको पैसिव कमीशन भी मिलता है। मान लो अगर आप डाटा साइंस परचेस की हो और आप फाइनेंस मास्टरी को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको 6,200 रुपए का कमीशन मिलता है। और डाटा साइंस को प्रमोट कर रहे हो तो आपको सीधा सीधा 9,000 रुपीज का एक्टिव कमीशन मिलता है। प्लस अगर आपका स्टूडेंट किसी को प्रमोट करता है डाटा साइंस, तो आपको 800 रुपए का कमीशन अलग से मिलता है, और टोटल 98% का कमीशन मिलता है। अब आप सोच रहे हो ये 98% तो नहीं हुआ, बट आप एक चीज ये भी तो देखो कि उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। अगर आप जीएसटी माइनस करके कमीशन स्ट्रक्चर कैलकुलेट करोगे तो पूरा पूरा आपको 98% कमीशन दिया जा रहा है, और ये 98% कमीशन आपको दुनिया में कोई कंपनी नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ मिलियनेयर ट्रैक देती। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को स्टार्ट करने की, क्योंकि आपको ना ही फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ना ही आपको एक एफिलिएट बनना होता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट का, ना ही आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी होती है। यहाँ पर सिंपली आप अपने सोशल मीडिया के जरिए से सीख करके, इजिली अपने स्मार्टफोन के जरिए से 30,000 से 40,000 मंथली आराम से कमा सकते हो। अब देखो, अगर आपका बजट है डाटा साइंस से स्टार्ट करने का, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डाटा साइंस पैकेज से स्टार्ट करो। और अगर आपका बजट नहीं है डाटा साइंस से स्टार्ट करने का, तो आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक और बेनिफिट बता देता हूं डाटा साइंस पैकेज से स्टार्ट करने का, कि अगर आप डाटा साइंस से स्टार्ट करते हो, जिस पर्सन ने भी आपको ये वीडियो सेंड करी है उसके साथ अगर आप डाटा साइंस से स्टार्ट करते हो, तो वो पर्सन आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड करेगा और आपको पर्सनली गाइड करेगा, जिसमें आप उसके तरह इनकम जनरेट कर पाओगे। आई बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया होगा, कंफ्यूजन आ गया होगा कि आसिम भाई यहां पर तो पैसे लग रहे हैं, मुझे तो बिना पैसे के पैसे कमाना था। गैस, क्या मुझे आप एक चीज बता सकते हो, जिस स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस स्मार्टफोन आप मुझे सुन रहे हो, क्या उस स्मार्टफोन को आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लाए थे? बिल्कुल नहीं। क्या उस स्मार्टफोन में जो रिचार्ज हुआ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था? जो आप पानी पीते हो क्या वो फ्री में आता है? जब आप खाना खाते हो वो फ्री में आता है? क्या जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसकी फीस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होती है? नहीं। तो वो आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आपके पैसे लगते हैं। अगर आप एक छोटी सी चाय का स्टॉल भी लगाओगे, तब भी आपको 10,000 से 15,000 रुपए की मंथली इनकम हो पाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर 50,000 से 60,000 रुपए महीने के कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यहाँ पर वन टाइम पेमेंट लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और उसमें भी आप बोलते हो कि यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि आसिम भाई ये बिजनेस स्कैम तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, आप तो स्कैम नहीं कर रहे हो, आप तो पागल नहीं बना रहे हो। गाइस, एक चीज आप मुझे ये बताओ, जहां स्कैम होता है क्या कभी कोई स्कैमर अपना फेस वैल्यू शो करता है? क्या कोई वीडियो बनाता है? मैंने तो ऑलरेडी फेस वैल्यू शो किया हुआ है, सारी चीज आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ है, कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जब सारी चीजें लीगल है तो कहां से स्कैम हो जाएगा? गाइस, स्कैम वो होता है, फ्रॉड वो होता है जो आपको इजी मनी दिखाए, जो आपको लालच दे। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आप अगर स्टार्ट करते हो बिजनेस को, तो आप डेफिनेटली डिजिटल स्किल्स को सीखोगे, जिससे आप अपनी लाइफ में 10 से 20 साल आगे हो जाओ। और जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो सेंड करी, अगर आप उसके पास जाकर के पूछोगे ये चीज, तो वो आपको सारी चीजें लाइव बताएगा, लाइव प्रूफ के साथ बताएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें जेन्युइन है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, 1,50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं,
और सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर कर सकते हो। और जिस पर्सन ने भी आपको ये वीडियो सेंड करी है तो आप जाओ उनको मैसेज करो, जो भी डाउट्स है आप उनको क्लियर करो। तो आई होप वीडियो के थ्रू आपको सारी नॉलेज मिल गई होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मैसेज कर सकते हो उस पर्सन को जिन्होंने भी आपको ये वीडियो सेंड करी है। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आई है, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।